सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी है। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी अभद्र टिप्पणी, पिछली पेशी पर ये सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई है, तो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अभद्र टिप्पणी मामला और इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सुनवाई होगी आज। खबर बता रहे हैं आपको सुल्तानपुर से, तो सुल्तानपुर आपको बता दें जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर से खबर है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आज। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी अभद्र टिप्पणी, पिछली पेशी पर कोर्ट जारी किया था आदेश, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी है। खबर बता रहे हैं आप सुल्तानपुर से, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, खबर आ रही है कि सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आज, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिन्होंने बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने उनको हत्यारा करार दिया था, जिसको लेकर के सुल्तानपुर के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिस जो कि मानहान से लेकर के जुड़ा था। और विजय मिश्रा का उस रिट में कहना था कि इनके अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की काफी मनोबल गिरा हुआ है, जिसको लेकर के इन्होंने कंप्लेन दाखिल किया था। और माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को 16 तारीख की मतलब आज की डेट के लिए न्यायालय में उपस्थित होने को लेकर के समन जारी किया था सुबह में। बिल्कुल, क्या लगता है आज क्या कुछ निर्णय होगा और कहां पे ये सुनवाई होगी, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल शुभांगी, जैसा कि न्यायालय ने आज उनको तलब किया है, आज राहुल गांधी को न्यायालय के समक्ष एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर वो नहीं हाजिर होते हैं तो अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे की माने तो न्यायिक प्रक्रियाएं बहाई जा सकती है, उनके खिलाफ जमानती वारंट आज न्यायालय द्वारा जारी हो सकता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, नजर बनाए रखिएगा खबर पर। तो सुल्तानपुर से ये खबर, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आज। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला, पिछली पेशी पर कोर्ट ने जारी किया था आदेश, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आज। तो सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां आज एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद राहुल गांधी की पेशी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में ये पेशी है, पिछली पेशी पर कोर्ट ने आदेश जारी किया था, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी। तो खबर आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, तो बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां पर राहुल गांधी की आज पेशी है, एमएलए कोर्ट में इनकी पेशी होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, और संतोष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये वादी के अधिवक्ता हैं। संतोष जी, आज राहुल गांधी की पेशी है, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है, माननीय न्यायालय ने आज राहुल गांधी जी को तलब किया है सम्मन, अगर वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वारंट करने के लिए डिमांड करूंगा माननीय कोर्ट से। अब कोर्ट के ऊपर है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, किस तरीके की तैयारी आपने की है इस पूरे मामले को लेकर के? अब तैयारी ये है मैडम, जो आरोपी बनाए गए हैं माननीय न्यायालय द्वारा, उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस पाती हुई उनको विचारण के लिए तलब किया गया है। और अगर वो अपियर होते सरेंडर करते हैं कोर्ट में तो बेल एप्लीकेशन पेश करेंगे, उस पर मैं जो भी होगा पूछ करूंगा, यदि नहीं आते हैं तो उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई के लिए ऑनरेबल कोर्ट से अपनी मांग रखूंगा। बिल्कुल संतोष जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जेएमडी न्यूज से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आज, और गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, पिछली पेशी पर कोर्ट ने जारी किया था आदेश, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है। आपको बता दें कि इसको लेकर के वादी पक्ष के वकील संतोष पांडे को भी आपने सुना, साफ तौर पर कहना था उनका कि अगर आज राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो वो आगे जो
मांग है उनकी वो और सख्त तरीके से कर रहे हैं और कोर्ट से उनका ये निवेदन है कि इस पर नज़र वो रखें, अगर राहुल गांधी की आज पेशी नहीं होती है तो ये सज़ा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं।